नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। यूपी के नोएडा की सोसाइटी में अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं। नोएडा की किसी सोसाइटी के लिफ्ट में बच्चा फंस जाता है तो कभी कुत्तों को लेकर बहुत ज्यादा बवाल होता है। सबसे ज्यादा सेक्टर 137 के चर्चित सोसाइटी लॉजिक्स से ही ऐसे मामले सामने आते हैं। और अब एक बार फिर से नोएडा की हाई राइज सोसाइटी विवादों के घेरे में आ गई है। सोसाइटी की लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने को लेकर महिला और दंपत्ति के बीच बहस हुई। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको पूरा मामला समझाते हैं। मास्क लगा हुआ है, मास्क पहना है, प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ मान के लिए काट लिया इसने। आपने देखा नहीं कितनी प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटीज में? थोड़ा सा सेंस है आपको? सिर्फ मास्क के लिए बोला, कुछ नहीं बोला। ठीक है, जब कुत्ते काटते तो सीसीटीवी फुटेज चलते हैं ना न्यूज चैनल्स में, आपके लोग चलाते हैं। हाँ ऑब्वियसली, आपसे चलाऊ बड़ी भी है ना, आप जैसे लोग ही चलाते हैं। क्यों नहीं चला? कुत्ते बिल्कुल नहीं काटते। मास्क बनाने के लिए बोला, सिर्फ किस तरह की लेडी है? दरअसल ये महिला कुत्ते को बिना मास्क लगाए लिफ्ट से लेकर जा रही थी। इतनी देर में ही दंपत्ति वहां पहुंचा। जानकारी के मुताबिक महिला गर्भवती बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने कुत्ते के गले में मास्क लगाया हुआ है, लेकिन उसे कुत्ते के मुंह पर नहीं लगाती है। दंपत्ति ने जब महिला से अनुरोध किया कि वो कुत्ते को मास्क लगाए तो महिला ने बहस शुरू कर दी, बदतमीजी शुरू कर दी। दंपत्ति का कहना है कि गर्भवती होने के चलते महिला को इस कुत्ते के काटने का खतरा था, इस वजह से वो लिफ्ट में कुत्ते के साथ मौजूद महिला से आग्रह कर रही थी कि उसे मास्क पहना दिया जाए, लेकिन महिला इससे साफ इनकार कर रही थी। जब बहस ज्यादा होने लगी तो दंपत्ति ने इसका वीडियो बनाया, जिसका उस महिला ने विरोध किया। इतना ही नहीं, दंपत्ति ने कहा कि नोएडा में कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं, तो आप अपने पालतू कुत्तों को मास्क पहना दीजिए। कुत्ते के मालिक ने इस पर जवाब दिया कि आप जैसे लोगों को ही कुत्ते काटते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि आप किस तरीके की महिला हैं जो इस तरीके की लैंग्वेज को यूज कर रही हैं। तो कुत्ते के साथ रहने वाली महिला ने बोला कि तुम्हारी बीवी से तो बेहतर ही हूँ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो पूरी बहस हुई है उसके आधार पर अगर देखा जाए कि नोएडा प्राधिकरण का नियम क्या कहता है इस बहस को लेकर, और कुत्तों को लिफ्ट में ले जाने को लेकर या फिर खुले में घुमाने को लेकर नोएडा प्राधिकरण ने जो नियम बनाए हैं वो क्या है। नियम में साफ तौर पर कहा गया है कुत्तों को खुले में मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब नोएडा प्राधिकरण का नियम है कि कुत्तों को खुले में मास्क लगाना अनिवार्य है, तो आखिर महिला इतनी बहस कर क्यों रही है? हाल ही में कुत्ते के काटने की कई खबरें सामने आई थी, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण द्वारा डॉग पॉलिसी बनाई गई। इस नियम के अनुसार अगर किसी का कोई भी पालतू जानवर किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो उस जानवर के मालिक पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही घायल व्यक्ति का इलाज भी जानवर के मालिक के द्वारा उठाया जाएगा। डॉग पॉलिसी के अनुसार अगर कोई अपने पालतू डॉग को सोसाइटी के लिफ्ट में लेकर जाता है तो उसे मजल मास्क लगाना जरूरी होगा। डॉग पॉलिसी लागू होने के बाद भी शहरवासियों द्वारा इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। डॉग पॉलिसी के अनुसार दंपत्ति की मांग जायज है, वहीं कुछ लोगों को लगता है कि कुत्तों से कोई खतरा नहीं होता। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। मास्क लगा हुआ है, मास्क पहना है, प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ मान के लिए काट लिया इसने। आपने देखा नहीं कितनी प्रॉब्लम हो रही है सोसाइटीज में? थोड़ा सा सेंस है आपको? सिर्फ मास्क के लिए बोला, कुछ नहीं बोला। ठीक है, जब कुत्ते काटते तो सीसीटीवी फुटेज चलते हैं ना न्यूज चैनल्स में, किस तरह की लेडी है ये?